वाड़ी नगर परिषद क्षेत्र में आंतरिक सीवेज लाइन बिछाने के काम में देखा जा सकता है कि ठेकेदार सीमेंट की सड़कों को तोड़कर सीवेज बिछाने का काम कर रहे हैं। फिर सड़क पर हुए गड्ढों को मुरुम तथा बड़े पत्थरों से ऊंची सड़कें बनाई गई है। इन सभी प्रकारों के कारण पिछले एक वर्ष से नागरिकों एवं वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है तथा कई छोटी बड़ी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पूरे वाड़ी शहर भर में यह काम होने से हर एक कोना हर एक गली में यातायातकर्ताओं को काफी परेशानी सहन करनी पड़ रही है। अब बरसात का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में इस खोदी गई सड़क के गड्ढे में पानी जमा होने से उसमें से निकले पत्थर बाहर सड़कों पर फैल रहे हैं, जिससे नागरिकों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है और दुर्घटना का डर भी बना हुआ है। युवा कांग्रेस सचिव अश्विन बैस ने ज्ञापन में लिखा कि इससे पहले जब कई संगठनों और अखबारों ने इस गंभीर मामले की ओर ध्यान दिलाया तो हमें पता चला कि हमने संबंधित ठेकेदारों को दो बार चेतावनी पत्र दिया है। हालांकि दो बार चेतावनी पत्र देने के बावजूद वाड़ी में खोदी गई सड़क की हालत अभी भी जस की तस बनी हुई है। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि अनुबंध पत्र पर नगर परिषद के हस्ताक्षर क्यों नहीं दिख रहे हैं या उन्होंने शोकॉज पर अमल क्यों नहीं किया है। यह गंभीर मामला है। वैसे ही ज्ञापन द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया कि सड़क के रखरखाव मरम्मत अनुबंध के अनुसार की गई प्रगति पर है या कैसे, इस संबंध में जनहित में एक श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। संबंधित ठेकेदार को 7 दिनों के भीतर क्षतिग्रस्त सड़कों को ध्वस्त करने के संबंध में अंतिम निर्देश दिए जाने चाहिए, अन्यथा युवा कांग्रेस वाड़ी में उन स्थानों पर पेड़ लगाओ आंदोलन करेगी जहाँ सड़क की स्थिति गंभीर है, ऐसी चेतावनी दी गई है। साथ ही सड़क की खराब हालत के कारण यदि वाहन चालक के साथ दुर्घटना आदि होती है तो इसके लिए ठेकेदार और अप्रत्यक्ष रूप से नगर परिषद को जिम्मेदार माना जाएगा और मुआवजे की मांग की जाएगी। उपरोक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए जनहित में तत्काल कार्यवाही करने की मांग युवा कांग्रेस द्वारा की गई है। इस दौरान महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव अश्विन बैस के नेतृत्व में वाड़ी शहर कांग्रेस के अध्यक्ष शैलेश थोरानी के मार्गदर्शन में किशोर नागपुरकर, योगेश कुमकुमवार, गौतम तिरपुड़े, भीमराव कामले, भूषण सोमकुवर, सागर बैस, रितेश डिगर से, शुभम हड़के, अनिकेत तितरमारी और युवा कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। इन बीसी न्यूज के लिए वाड़ी से संवाददाता की रिपोर्ट।